नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। देखिए, इस दुनिया में आजकल हर इंसान कुछ न कुछ प्रॉब्लम से परेशान है। किसी को धन की समस्या है तो किसी को स्वास्थ्य की समस्या, यानी किसी के पास पैसे की तंगी है तो किसी की तबीयत खराब रहती है, किसी की संतान ढंग की नहीं निकलती तो किसके घर के जो बच्चे हैं, बीवी बच्चे हैं, वो अच्छे नहीं निकलते, किसी को घर की समस्या है, किसी के पास घर नहीं है, यानी कोई ना कोई परेशानी किसी न किसी इंसान को लगी ही रहती है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र की परेशानी क्यों ना, किसी को ऑफिस में परेशानी है, मतलब उसके जो कार्य क्षेत्र है वहाँ पर उसको प्रॉब्लम जा रही है, उसकी उन्नति नहीं हो रही है, या उसको जो चाहिए जो पद वो पद उसको नहीं मिल रहा है, यानी इस प्रकार की देखा जाए तो अक्सर इंसान को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ही। चाहे वो कितना भी बड़ा लेवल का इंसान हो या कितने भी छोटे लेवल का इंसान हो, हर इंसान को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसा आपको उपाय बताने जा रहा हूँ जो आप मात्र 60 घंटों में, कितने घंटों में, मात्र 60 घंटों में अपनी किसी भी प्रकार की जो समस्या है या किसी भी प्रकार की आपकी मन की कामना है उसको आप पूरा कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि यार 60 घंटे में कैसे पॉसिबल है, तो यहाँ पर 60 घंटे का मतलब 60 घंटे नहीं है, बल्कि आपको हर एक दिन, यानी आपको 59 दिन 59 डेज एक उपाय करना है, और वो उपाय मात्र एक घंटे का है, इसलिए मैंने आपको 60 घंटे बोला है। ठीक है, तो आपको उपाय कितने दिन करना है, 59 डेज, हर दिन आपको एक घंटे देना है, कुल मिला के 59 आवर्स में, 59 यानी 59 घंटों में आप इस उपाय को पूरा कर सकते हो। और उपाय बहुत ही साधारण है, बहुत ही छोटा उपाय है, और आपको मज़ा भी आएगा उसको करने में, बहुत आसान सा उपाय है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि वो उपाय है क्या और उसको किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, मेरे हाथ में इस समय रामचरितमानस है और आप यहाँ देख रहे होंगे कि गीता प्रेस गोरखपुर, ये इसका एड्रेस है और ओरिजिनल रामायण है। तो इस ओरिजिनल जो रामचरितमानस है, किसी मैं ओरिजिनल इसलिए बोल रहा हूँ कि इस जगह से अगर आप लेते हो तो ओरिजिनल किताब ही आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये रामचरितमानस का जो उत्तरकांड है, रामचरितमानस का जो उत्तरकांड है, उस उत्तरकांड की आपको एक चौपाई देखना है। चौपाई क्या है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। आप जब उत्तरकांड ढूंढेंगे तो उसका जो दूसरा दोहा है उसकी पांचवीं लाइन, यानी कि दूसरा दोहा जहाँ एंड होता है उससे पहले देखना, यानी कि पहले दोहे के बाद आपको फिफ्थ लाइन देखनी है। फिफ्थ लाइन मतलब पाँचवें नंबर की चौपाई, लाइन से मतलब ये है। तो पाँचवें नंबर की चौपाई क्या है, रिपु रन जीत सुजस सुर गावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत, ये एक चौपाई है, ये आपको स्क्रीन पे भी इस समय दिख रही होगी। इस चौपाई का संपुट लगाना है और आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। सुंदरकांड तो सभी लोग जानते ही हैं, तो सुंदरकांड का जो पाठ है उसको इस चौपाई का संपुट लगाकर आपको 59 डेज यानी कि 59 दिन करना है। अगर आपने ये काम जो है, ये जो उपाय है, 59 दिन तक लगातार बिना गैप किए हुए, ध्यान रखना है बिना गैप किए हुए, अगर आपने 59 दिन इस 59 मतलब 59 ध्यान रखना, 59 डेज अगर आपने इस उपाय को लगातार किया तो आपकी किसी भी प्रकार की जो समस्या है उससे आप मुक्ति जरूर पालोगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये संपुट क्या होता है, संपुट कैसे लगाया जाता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि संपुट क्या है और इसको किस तरह से लगाया जाता है, तो मेरा एक वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं कि संपुट क्या है और इसको किस तरह से लगाया जाता है। इसका ऑलरेडी मेरे पास वीडियो है, इसका इस वीडियो का जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो और आसानी से आप पता कर लोगे कि किस प्रकार से संपुट लगाया जाता है, कि संपुट होता क्या है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।